हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वाली में आपका स्वागत है। और दोस्तों, 2020 का सबसे एक्साइटिंग पैकेज हमारे पास आ गया है और ये है पोको का पहला 2020 का स्मार्टफोन। वेल दोस्तों, मेरे पास है पोको X2 और इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग और एक कंप्लीट ओवरव्यू इस नए पोको के स्मार्टफोन का। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी अनबॉक्सिंग। दोस्तों, यहाँ पर है पोको X2 का बॉक्स और सबसे पहली चीज आपके सामने है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे नाम हैं और जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ यहाँ पर है ब्रांड के ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव के नाम प्लस कुछ फैंस के नाम, मतलब जो बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं पोको को। अगर हम देखेंगे साइड में तो यहाँ पर है पोको X2 रियलिटी फ्लो 120Hz, मतलब 120Hz का डिस्प्ले। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है 6.67 इंचेस का ड्यूएल इन डिस्प्ले कैमरा के साथ एक स्मार्टफोन जहाँ पर आपको मिलता है 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट। अगर हम बात करते हैं कैमरा की तो यहाँ पर 64MP का AI क्वाड कैमरा मिलता है प्लस ड्यूएल सेल्फी कैमरा, मतलब 20MP प्लस 2MP का सेल्फी कैमरा। एडिशनली अगर हम बात करते हैं चिपसेट की तो Qualcomm Snapdragon 730G चिपसेट है, जिसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेयर कैमरा की तो 64MP प्लस 2MP प्लस 8+2, मतलब क्वाड कैमरा सेटअप है। और उसी के साथ साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो 4500mAh की बैटरी। और बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनबॉक्स 27W का चार्जर भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। मेरे पास है एटलांटिस ब्लू कलर, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज के साथ और ये है मेड इन इंडिया। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर प्राइसिंग को कट कर दिया है, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको प्राइसिंग डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए मैं खोलता हूँ इस बॉक्स को और लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी अनबॉक्सिंग। और जैसे ही हम इस बॉक्स को खोलते हैं, सबसे पहले हमारे सामने है ये येलो कलर का बॉक्स। अगेन काफी इंटरेस्टिंग कलर कॉम्बिनेशंस है यहां पर। सबसे पहले यहां पर हमें मिल जाता है ये सिम एजेक्टर पिन और उसी के साथ साथ यहां पर एक रीडिंग मैनुअल या फिर यूजर गाइड पोको की तरफ से, जिसके अंदर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इसी फोन को लेकर। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पोको के X2 स्मार्टफोन का। एडिशनली यहाँ पर है ये ट्रांसपेरेंट केस, जो एक बेसिक केस है आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाता है। और इसके बाद हमारे सामने है ये ब्यूटीफुल ब्लू कलर का पोको X2 स्मार्टफोन। मैं इसके ऊपर सिक्योरिटी रैपिंग निकालता हूँ और ये रहा पोको X2 स्मार्टफोन। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है और मैं इसको फिलहाल के लिए रखता हूँ साइड में और आपको दिखाता हूँ पैकेज के सारे कंटेंट्स। वेल दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है बहुत ही बड़ा पावर ब्रिक। यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये है मी ब्रांडेड पावर ब्रिक और ये है 27W आउटपुट के साथ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगेन इसी के साथ साथ यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा एक टाइप सी केबल आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये है सारे पैकेज के कंटेंट्स, इसको हम रखते हैं साइड में और मैं आपको एक फटाफट से फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ पोको X2 स्मार्टफोन का। दोस्तों, अगर आप देखोगे पीछे की तरफ तो बहुत ही ग्लॉसी फिनिश है, लेकिन काफ़ी कूल लुकिंग डिज़ाइन है। और इसके ऊपर एडिशनली अगर आप देखोगे तो सारे इन्फॉर्मेशन की आपको मिल जाएगा यहीं पर। मैं स्टिकर को निकालता हूँ और अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो पोको की ब्रांडिंग है, ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा 4 कैमरा सेटअप, LED फ्लैश और उसी के बगल में लिखा हुआ है डिजाइन बाय पोको। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और उसी के साथ साथ आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स। अगर हम देखेंगे लेफ्ट की साइड में तो यहां पर हमें सिम कार्ड के स्लॉट्स मिल जाते हैं और ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है IR ब्लास्टर। वेल दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पोको F1 में इन्होंने स्किप किया था और बहुत ही ज्यादा लोगों ने डिमांड किया था, तो ये रहा IR ब्लास्टर इसी फोन के ऊपर। और एडिशनली आपको मिल जाता है यहां पर सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है 3.5mm जैक, स्पीकर ग्रिल और यहां पर टाइप सी पोर्ट प्लस एक माइक्रोफोन।
फोन को जैसे आप बूट करते हो यहाँ पर MIUI 11 का मैसेज आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और मैं इसका कंप्लीट सेटअप करता हूँ फटाफट से और उसके बाद आपको लेके जाता हूँ होम स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों अब हमने कंप्लीट कर दिया है सेटअप और ये है वेलकम स्क्रीन। अगेन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको काफ़ी सारे ऐप्स मिल जाते हैं प्री इंस्टॉल्ड और अगर आप चाहते हो तो इनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो और वो आपको ऑप्शन यहीं पर मिल जाएगा ऐप ड्रॉअर के अंदर। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाते हैं यहाँ पर पोको है डिवाइस नेम, मॉडल है पोको X2, MIUI है MIUI ग्लोबल 11.0.3 और उसी के ऊपर अगर हम देखते हैं स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं 256 GB में से 237 GB आपको मिल जाती है आउट ऑफ द बॉक्स और 8 GB का रैम है इस डिवाइस के अंदर। अगर हम जाते हैं ऑल स्पेक्स में तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 GB रैम मेंशन है और उसी के साथ साथ यहाँ पर चिपसेट इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं जैसे कि डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल्स भी और इनको भी आप सेटअप कर सकते हो। एडिशनल स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको गेम टर्बो, क्विक रिप्लाइज और सेकेंड स्पेस का ऐप भी मिल जाता है जिससे आप ड्यूअल व्हाट्सएप या फिर ड्यूअल किसी भी ऐप को ड्यूअल तरीके से यूज़ कर सकते हो। यह है इस फ़ोन का होम स्क्रीन और अगर हम फटाफट से एक बार क्रॉस चेक करते हैं इस फ़ोन के कुछ वॉलपेपर्स को क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल इंटरेस्टिंग वॉलपेपर्स आपको मिल सकते हैं। तो ये रहे कुछ वॉलपेपर्स जो आपको इसके अंदर मिलते हैं प्लस वॉलपेपर्स विद सम स्पेशल इफेक्ट्स। तो ये है कुछ लाइव वॉलपेपर्स जो भी काफ़ी अच्छे और वाइब्रेंट लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये है इस फ़ोन का होम स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इस फ़ोन का कैमरा क्योंकि वो भी एक बहुत ही हाईलाइटिंग एरिया है और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो मोड खुला हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर है ये 1x जिसके बाद अगर आप इसको चाहो तो वाइड एंगल एरिया के अंदर जा सकते हो और यहाँ पर आप जा सकते हो 0.6x तक, मतलब बहुत ही क्लोजअप वाइड एंगल शॉट भी आप ले सकते हो। 2x तक का नॉर्मल जूम है। इसके अलावा यहाँ पर आप HDR ऑटो पे रख सकते हैं। 64 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड है और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको फ्रंट में भी मिल जाएंगे। अगेन मैं यहाँ पर कैमरा ऑप्शंस नहीं दिखाता हूँ लेकिन आपको क्लियरली कैमरा सैंपल्स दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस फ़ोन का कैमरा कैसा है। अगेन यहाँ पर आपको नोट करना है कि पीछे की तरफ 4 कैमराज है और आगे की तरफ 2 कैमराज है, मतलब एक मिड रेंज स्मार्टफोन ऑफर कर रहा है आपको 6 कैमरा सेटअप, मतलब कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं। और इनफैक्ट यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है जो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अगेन ये रहे कुछ कैमरा सैंपल्स, आप लोग कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको कैसे लगे ये कैमरा सैंपल्स। तो दोस्तों ये था ओवरऑल पोको X2 स्मार्टफोन, एक सुपर कॉम्पैक्ट ब्यूटीफुल स्मार्टफोन और मैं एज ऑफ नाउ काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ इस डिस्प्ले को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बेजलेस डिस्प्ले है और जिस प्राइस के ऊपर इसको लॉन्च किया जा रहा है उसके हिसाब से तो ये काफ़ी इंप्रेसिव स्मार्टफोन लगता है हमें। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 120 हर्ट्ज का एक स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ ये स्मार्टफोन, 8 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज है आउट ऑफ द बॉक्स और उसी के साथ साथ सेल्फीज़ भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेता है स्पेशली बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी कैमरा सेंसर जिसके कारण बहुत ही बेहतरीन पोर्ट्रेट शॉट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। 4500 mAh की बैटरी और मुझे जो अच्छा लगा वो है इसी के बॉक्स के अंदर आपको 27 वॉट का चार्जर, मतलब ओवरऑल आपको सब कुछ जो भी चाहिए एक फोन के साथ सब कुछ मिल जाता है एक ही पैकेज के अंदर। और ये था पोको का X2 स्मार्टफोन का कंप्लीट अनबॉक्सिंग। अगर आपके पास कोई भी सवाल है स्मार्टफोन को लेकर तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए और मैं आपको मिलता हूँ हमारे आने वाले वीडियो में। मेरा नाम है अमित और मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।